नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर, एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम यार न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे, जो मंगल का चेंज हो रहा है, पाइसेस मीन में जा रहा है 12 नंबर राशि में, तो उसका सबके लग्नों पे क्या असर पड़ेगा। तो इसके लिए अपने स्टूडियो में बुलाना चाहूंगी रिनाउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर सुमित सेठी। आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड, पश्चिम बिहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। आज है 7th of April 2024 संडे, और ये वीडियो ठीक 9 दिन बाद अपलोड होगी, 16th of April 2024 को वीडियो हमारी अपलोड होगी। और ये जो चेंज है हमारा 23 अप्रैल से चेंज, और 1 जून तक रहेगा, 1 महीना 1 हफ्ते का चेंज। तो इसका सबके लग्नों पे क्या असर पड़ेगा, ये हमारी इंडिया की प्लानिटरी कुंडली है। हमारी जो प्रिडिक्शन होती है लगन से होती है, लगन मीन्स फर्स्ट हाउस। ये फर्स्ट हाउस में देखिए आपका कौन सा नंबर लिखा हुआ है, उसी से हमारी प्रिडिक्शन मैच करती है, उसी से हमारी प्रिडिक्शन होती है। अगर यहाँ 2 नंबर लिखा है तो आप चौरस है, 5th लिखा है तो आप लियो है। हमारी प्रिडिक्शन मून साइन से नहीं होती, और ये पॉइंट्स मैंने कल पढ़ दिए थे, तो हम सीधा लग्न से स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर लिब्रा तुला, शुक्र की दूसरी राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? तो कल हमने बात की थी राशि परिवर्तन की, सब चीज दोस्तों ने बात की थी, शेयर मार्केट की बात की थी। तो फिर से कह दूं कि शेयर मार्केट के लिए दोस्तों काफी अच्छा दिन चल रहा है, अच्छा टाइम स्टार्ट होगा दोस्तों। ये मंगल दोस्तों काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, और कौन कौन से सेक्टर में दोस्तों बेनिफिट होगा, कल की वीडियो दोस्तों हमारी देखिए, उसमें हमने पार्ट 1 में बात कर दी सारी। दोस्तों लिब्रा, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे लिब्रा पे इसका 8th एस्पेक्ट आ रहा है, यानी कि थर्ड एस्पेक्ट दोस्तों जाएगा इसका लिब्रा पे, जो कि 8वीं दृष्टि कहते हैं हम लोग। तो लिब्रा भी दोस्तों डायरेक्टली इम्पैक्ट में आने वाला है दोस्तों। अब लिब्रा के अंदर क्या होता है, मंगल बनते सेकंड और कहीं ना कहीं 12th का लॉर्ड, तो सेकंड हो गया आपका, सॉरी सेकंड और 7th का लॉर्ड दोस्तों। तो सेकंड वेल्थ, 7th पार्टनरशिप, बिजनेस, करियर, वाइफ, हस्बैंड, तो दोस्तों कहीं ना कहीं पॉजिटिव एंड बनता है, पैसा लेके चलता है अपने अंदर को। जैसे मंगल जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इसके अंदर, तो लगन के अंदर दोस्तों पैसा उतना ही बढ़ता है, पार्टनर का पैसा उतना ही बढ़ता है, शादी के बाद भी तरक्की उतनी ज्यादा हो जाती है। बट दोस्तों साइड बाय साइड मंगल सेकंड का लॉट और 7, तो 100% मार्केश बन जाते हैं यहाँ पे। तो तुला लगन के अंदर दोस्तों हल्का सा भी वीक मंगल होगा, नेगेटिवली फेज होगा, 12th हाउस के अंदर होगा, केतु के साथ होगा, नीच का होगा, या डमांश में दोस्तों गलत होगा, D9 में गलत होगा, नक्षत्र दोस्तों केतु के नक्षत्र में होगा, शनि के नक्षत्र में होगा, तो चोट देने का काम करेगा। तो कई बार एज के ऊपर बात आ जाती है, बिकॉज यहाँ पे मंगल बनता है मार्केज सेकंड और 7 दोस्तों 100% मार्केज बन जाता है। अब दोस्तों मंगल आ गया आपका किसमें, 6th हाउस के अंदर दोस्तों। 12 नंबर राशि आपकी बन गई 6th हाउस में, जहाँ पे गुरु की राशि है दोस्तों, साथ में राहु का भी इम्पैक्ट आ गया। तो ये काइंड ऑफ अ नेगेटिव कॉम्बिनेशन दोस्तों बन सकता है, इन टर्म्स ऑफ यू नो आपकी हेल्थ के लिए दोस्तों नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। लेडीज की बात करेंगे दोस्तों 100% हार्मोनल इम्बेलेंस, यूट्रस की बात करो, ओवरीज की बात करो, तुम पीरियड्स की बात करो, बिकॉज मंगल ब्लड को डिरोड करता है। और 6th हाउस का मंगल, क्योंकि राहु भी साथ में है, केतु का भी इम्पैक्ट आ गया, तो कहने के दोस्तों ये हार्मोनल इम्बेलेंस की बात करें या पीरियड में ब्लड लूज की बात करें, थोड़ा ज्यादा होता है, जिसके कारण दोस्तों आयरन में बॉडी में कमी होने की वजह से चिड़चिड़ापन बहुत आता है, मूड स्विंग बहुत होता है, एच भी डाउन चले जाते हैं, बॉडी में आयरन कम, एनर्जी लेस दोस्तों लेडीज कहीं ना कहीं वीक करती है। जिनको तो पाइल्स की दिक्कत है, उनका भी यहाँ पे ब्लड ज्यादा लूज करेगा, बिकॉज यहाँ पे मंगल उसी चीज को डोनोट करके कहीं ना कहीं आपके सर्जरी काइंड ऑफ चीज को भी डिनोट करता है, हो सकता है फाइल्स की आपको सर्जरी लेनी पड़े, या जिन लेडीज का दोस्तों यूट्रस में इशू होते हैं फाइब्रॉइड, उनको यूट्रस रिमूव करवाना पड़े। ओवरऑल दोस्तों हम लोग बात करके देखें दोस्तों, केतु का 6th हाउस में इम्पैक्ट, मंगल का यहाँ पे आना, मार्केश बन के आना, ये प्रॉब्लमेटिक होगा दोस्तों। ये तुला को थोड़ा अपने ध्यान में देना कि चोट से यहाँ पे हमें बच के चलना है, और दोस्तों क्योंकि यहाँ पे मंगल सेकंड को भी डिनोट करता है, आपके थ्रोट को, आपके दांतों को, आपके आईसो, तो रूट कैनाल की बात करें या आपकी आंखों की दिक्कत, आंखों की सर्जरी ड्यू थी, आपकी थ्रोट की सर्जरी आपकी ड्यू थी, थ्रोट कैंसर था आपके साथ, तो कुछ इस तरह की चीज थी, आपकी कीमो चल रही, तो ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज होगी, तो ये हमें संभल के चलना है यहाँ पे। ये अच्छा खासा टाइम दोस्तों नहीं होगा, ये नेगेटिविटी बढ़ाने वाला टाइम हो सकता है, और कुंडली में अगर दशा भी नेगेटिव है, कॉम्बिनेशन भी नेगेटिव है, तो फिर दोस्तों दिक्कत बढ़ सकती है यहाँ पे। तो थोड़ा सावधानी वाला टाइम तुला लगन वालों के लिए, लेडीज के लिए, हार्मोनल के लिए, और ओवरऑल हम लोग देखें चोट वोट से बचते हैं। चलिए लिब्रा तुला का भी हो गया, इनके लिए आप बता रहे हैं इनको चोटों से, एक्सीडेंट से बचकर चलना है, तो 6 हाउस में कॉम्बिनेशन आ गया, बिल्कुल वैसे ऑल ओवर इनके लिए ठीक है, हेल्थ का ध्यान रखिए, हां फाइनेंशियली को दिक्कत नहीं करना। चलिए अब हम आते हैं 8 नंबर स्कॉर्पियो वृश्चिक मंगल की दूसरी राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? चलिए फ्रेंड्स, जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप चाहें तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए, कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। तो फोन उठाइए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए स्टार्ट करते हैं 8 नंबर स्कॉर्पियो वृश्चिक। दोस्तों कल हमने बात की थी कर्क लगन की, कितना शानदार था दोस्तों उनके लिए,
दोस्तों होता है नंबर चार, और नंबर चार को आप डबल करोगे तो नंबर आठ आ जाता है, यानी कि नंबर आठ स्कॉर्पियो, उनका डबल अच्छा। तो यहाँ पे स्कॉर्पियन के लिए दोस्तों मंगल का फिफ्थ हाउस में आ जाना, सूर्य का दोस्तों सिक्स हाउस में कहीं ना कहीं एग्जॉटेड हो जाना, बहुत ज्यादा शानदार दोस्तों कॉम्बिनेशन बनने वाला है। और दोस्तों आपको 15 दिन की बात हो रहा है, जुपिटर भी आपका सेवंथ हाउस में आ जाएगा दोस्तों, मान के चले तब क्या फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन होगा। फिफ्थ हाउस में सेल्फ और मंगल, सिक्स हाउस में दोस्तों सूर्य उच्च का, सेवंथ हाउस में गुरु, ये तीनों फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन दोस्तों, स्पेशली मंगल से जो शुरुआत हो जाएगी, एक हफ्ते बाद गुरु भी आ जाएगा दोस्तों, इतना बड़ा कॉम्बिनेशन है दोस्तों, इतना बड़ा कॉम्बिनेशन है, कुछ कहने की हद नहीं है। लाइफ का दोस्तों हर एस्पेक्ट, आपके इनकम से लेकर बच्चा जो फिफ्थ हाउस बच्चों का माइंड, माइंड के एप्लीकेशन, आपके इंटेलेक्ट, आपकी पढ़ाई, आपके दोस्तों राइटिंग स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी आपकी फैमिली के वेल्थ, और दोस्तों आपकी आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड की इनकम की बात करें तो सब कुछ इतना अच्छा हो जाएगा यहाँ पे कि 100% पॉजिटिविटी आ जाएगी। जिनको स्ट्रेस के इशूज थे, लंग्स के इशूज थे, लेडीज को ब्रेस्ट के दोस्तों वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे, आपके आपके पेट की समस्याओं से निदान मिलेगा, आपको पेट आपका जो बहुत ज्यादा बाहर निकल चुका था वापस अंदर आ जाएगा, मतलब हिट एंड फिट हो जाओगे आप। तो वो साथ में दोस्तों अब अगर हम स्कॉर्पियंस की बात करके देखें दोस्तों, यह बनता है हमारे मोदी जी का, प्रधानमंत्री का, दोस्तों उनका तो मंगल राशि का भी लॉर्ड है, असेंडेंट भी है दोस्तों राशि का भी लॉर्ड, पर अपने हाउस में प्लेस है, चंद्रमा को दोस्तों नीच भंग देता हुआ। तो ये दोस्तों फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, क्योंकि अब दोस्तों इलेक्शन आने वाले हैं और 1 जून तक दोस्तों कॉम्बिनेशन रहेगा, 1 जून को तो आखिरी फेज है इलेक्शन का, 1 जून को दोस्तों आखिरी फेज, और दोस्तों चांस की बात है कि ये मंगल का जो कॉम्बिनेशन रहेगा दोस्तों उसी टाइम पर रहेगा जब दोस्तों इलेक्शन की सेकंड फेज की स्टार्टिंग होगी। दोस्तों पहला फेज शायद 18th या 19th को पहला फेज है, सेकंड फेज दोस्तों उसके बाद है 24 या 25 को, तो जितने बाकी फेजेस दोस्तों 6 के 6 फेजेस वो इसी पीरियड में आने वाले हैं, जब मोदी जी का मंगल यहाँ पे रहने वाला है। तो बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन, तो ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन दोस्तों मोदी जी को जिनकी मंगल की दशा भी चल रही है बहुत जबरदस्त लाभ देकर चलेगा, बीजेपी दोस्तों एज अ पार्टी उसकी भी मंगल की दशा चल रही है उसको भी बहुत बड़ा लाभ मिलकर चलेगा। तो ये बहुत तगड़े वाला कॉम्बिनेशन दोस्तों मोदी जी की जीत को और निश्चित कर देगा यहाँ से। तो स्कॉर्पियंस के लिए दोस्तों एज अ होल बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन, विश फुलफिलमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों, स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टमेंट की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें, FDs की बात करें, बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग की हेल्प की बात करें, लोन की बात, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करें, सब कुछ दोस्तों यहाँ पे प्राप्ति होने के चांसेस बन जाते हैं। और जैसे दोस्तों जुपिटर भी यहाँ पे आ गया, क्योंकि फर्स्ट मेरे को दोस्तों जुपिटर की मूवमेंट होगी और उसकी वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी, फर्स्ट मेरे को दोस्तों जुपिटर भी यहाँ पे आ जाएगा, वो भी आपके सेल्फ पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा दोस्तों। फिर तो कहना ही क्या, जैसे ना सिर्फ सेल्फ पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा बल्कि वहाँ पे मंगल की राशि पे ही देखने के कारण और ज्यादा तगड़ा कॉम्बिनेशन दोस्तों यहाँ पे बन जाता है। चलिए स्कॉर्पियो वृश्चिक भी हो गया, मंगल की दूसरी राशि इनके लिए कैसा रहेगा। अब हम आते हैं 9 नंबर सजिटेरियस धनु, गुरु की पहली राशि, इनके लिए कैसा रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाए। और अगर आप चाहें तो मैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर एंड कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियोज कैसी लगती है। हमारी वीडियोज अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए जानने के लिए सभी लग्नों का कैसा रहेगा मंगल का पाइसेस में आना। तो धनु लगन वालों के लिए बहुत अच्छी खबर, तो यहाँ पे मंगल अगर आप देखेंगे धनु लगन के अंदर दोस्तों बनता है थर्ड क्राउड दोस्तों 9, 10, 11, 12, 1 दोस्तों फिफ्थ का लॉर्ड बनकर दोस्तों, और मंगल के दोस्तों प्लेसमेंट हो गए फोर्थ हाउस के अंदर, यानी कि त्रिकोण इन केंद्र। तो जब भी त्रिकोण और केंद्र आपस मिलते हैं आपस में राशि परिवर्तन होगा, दोस्तों कंजंक्शन होगा, उनके लॉर्ड्स का आपस में एस्पेक्ट होगा, या एक पर्टिकुलर दोस्तों ग्रह जो त्रिकोण का लॉर्ड है केंद्र में आ गए तो दोस्तों राज्यों क्रिएट होकर चलते हैं। जैसे यहाँ पे फिफ्थ हाउस का लॉर्ड मंगल वो आ गया आपके फोर्थ हाउस के अंदर, यानी कि भाग्य को फोर्थ हाउस में लाके प्रॉपर्टी के योग, दोस्तों फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का, गाड़ी का योग, भूमि का योग, खेती बाड़ी में जो लोग हैं उनके दोस्तों यहाँ पे बेनिफिट, मतलब बेसिकली जो लोग जमीन से जुड़े दोस्तों काम करते हैं, खेती बाड़ी भी आते हैं, रियल एस्टेट भी आता है, बिल्डर भी होता है दोस्तों, वो सारे काम दोस्तों, क्योंकि फोर्थ का मंगल आपके टेंथ इस पे इम्पैक्ट डाल के चलेगा दोस्तों आपके करियर हाउस के ऊपर, तो करियर में दोस्तों एक्सपेंशन आती है, करियर दोस्तों मजा आ जाता है। तो दोस्तों फिर वही सारे लोग जो दोस्तों IPS करना चाह रहे हैं, IFS में जाना चाह रहे हैं, IAS करना चाह रहे हैं, पुलिस सर्विस से ज्वाइन करना है, आर्मी प्लेयर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी यहाँ पे खबर। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में दोस्तों सेल करना चाहते हैं, जिम खोलना चाहते हैं, फिटनेस सेंटर में आप काम करते हैं, आप ट्रेनी हैं, जब ट्रेनिंग देना चाहते हैं उस तरह की, अपना खुद का जिम दोस्तों खोलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड दोस्तों आप चीजों को जैसे बैट बॉल क्रिकेट बॉल दोस्तों ग्लव इन तरह चीजों को सेल करते हैं, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया दोस्तों, जैसे जिमें की जो जो आपके जिम का जो सामान होता है दोस्तों उसको अगर आप सेल करते हैं, डंबल्स को आप सेल करते हैं, इस तरह की जिम में अगर आप हैं तो भी आपका काम यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ेगा। और दोस्तों क्योंकि फोर्थ हाउस मंगल यहाँ पे होगा आपके कुंडली के अंदर, 12th का लॉर्ड बनकर जाएगा, तो कई बार क्या दोस्तों कि 12th हो गया आपका फॉरन, फोर्थ हो गया अपना घर, तो कई बार फॉरन ट्रेवलिंग दोस्तों यहाँ से हो जाती है, बच्चे फॉरन में पढ़ाई करने चले जाते हैं, फॉरन से अगर आपके कोई रिलेटिव है, आपके कोई बच्चे हैं, कोई आपके बाहर रहते हैं लोग, वो आपसे मिलने के लिए आ जाते हैं, अपने घर में तो कहीं ना कहीं खुशखबरियां बढ़ती हैं, तो अच्छा पीरियड
कोई बुराई वाला पीरियड नहीं है दोस्तों, इस पीरियड का हम लोगों ने बेनिफिट लेकर चलना है, कॉन्फिडेंस के अंदर बढ़ोतरी होती है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, जो लोग घर लेना चाह रहे हैं उनके दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ जाती है। चलिए मतलब 9 नंबर सेजिटेरियस वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, बिल्कुल अच्छा, मतलब डबल थम्स अप बल्ले बल्ले। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात क्या कि ये धनु राशि है, गुरु की राशि है, और गुरु की राशि में दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे, ये मंगल की राशि में गुरु है यहाँ पे, तो मंगल की राशि में गुरु, गुरु की राशि में मंगल, तो इनको ज्यादा फायदा तब भी मिलता है, बिकॉज राशि परिवर्तन होगा इनको भी एप्लीकेबल है। बिल्कुल, चलिए 9 नंबर सेजिटेरियस धनु का हो गया, तो अब हम आते हैं 10 नंबर कैप्रिकॉन मकर, शनि की पहली राशि, तो इनके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों जब जब मंगल किसी कुंडली में थर्ड हाउस में आता है या नेटल चार्ट में हो जाए, वैसे भी दोस्तों बहुत बड़ा काम करके आता है, बिकॉज थर्ड हाउस नेगेटिव और मंगल को यहाँ पे एक्स्ट्रा बल मिल जाता है, तो थर्ड हाउस करेज को डिनोट करता है, आपकी ताकत को डिनोट करता है, आपके कॉन्फिडेंस को डिनोट करता है, मंगल इन चीजों को रिफ्लेक्ट करता है, तो जब ताकत और ताकत मिलती है दोस्तों, डबल ताकत, डबल कॉन्फिडेंस, डबल पर्सनैलिटी के अंदर दोस्तों इनहेंसमेंट होती है। तो यहाँ पे दोस्तों मंगल आ गया आपके थर्ड हाउस के अंदर, दोस्तों फोर्थ का लॉर्ड है और अपने से 12 थर्ड हाउस में आके दोस्तों, फोर्थ हो गया आपके मन का, थर्ड हो गया आपके कॉन्फिडेंस का, तो दोस्तों मन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया था। हाँ, एक नेगेटिविटी दोस्तों यहाँ पे हो सकती है कि फोर्थ होता है मदर का, और मदर का लॉर्ड दोस्तों अपने से थर्ड हाउस में, यानी कि अपने से 12th हाउस में आ गया दोस्तों, तो ये मदर के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उनकी हेल्थ में इश्यूज, उनको चोट के कारण बन सकता है, तो मम्मी का हमने ध्यान में देकर चल रहे हैं। बट ओवरऑल दोस्तों हम लोग बात करके देखें, बहुत ही बड़ा कॉम्बिनेशन थर्ड हाउस दोस्तों, फ्रेंड्स का, आपके सिबलिंग्स का, आपके पड़ोसियों का, आपके नेटवर्किंग का दोस्तों, आपके स्टाफ का, आपके वर्कर का, आपके लेबर का, तो वहां पे दोस्तों बेनिफिट मिलते हैं। तो यही थर्ड का मंगल दोस्तों देखता है आपके 9th हाउस को, यानी कि फोर्थ हो गया प्रॉपर्टी, मम्मी का, 9th पापा का, तो पेरेंट्स के सपोर्ट दोस्तों, पेरेंट्स का आशीर्वाद दोस्तों, दोस्तों भाग्य के कारण आपको गाड़ी का सुख, भाग्य के कारण दोस्तों आपको प्रॉपर्टी का सुख, घर में दोस्तों कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि एक अच्छे कार्य होते हैं, ऑस्पिशियस बेनिफिशियल कार्य होते हैं दोस्तों। दोस्तों मंगल का स्पर्श जाएगा यहाँ पे 10th हाउस के पास, दोस्तों आपका 10th हाउस हो गया अगेन करियर का, आपकी ताकत का, थर्ड हो दोस्तों ट्रेवलिंग का, जो लोग टूर एंड ट्रेवल के अंदर दोस्तों गाइड है, कोच है दोस्तों, जो कॉन्फिडेंस बिल्डर है, जो दोस्तों आप मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जिस तरह के लोग इन्फ्लुएंसर है दोस्तों सोशल मीडिया पे, उनको यहाँ पे काफी बेनिफिट मिलेगा। तो ये कुल मिला के दोस्तों इनके लिए बेस्ट, और स्पेशली तब दोस्तों जब कैप्रिकॉन जो होती है मकर राशि होती है, दोस्तों मंगल की उच्च की राशि होती है, तो यहाँ पे दोस्तों मंगल की ऑलरेडी उच्च की राशि, और साथ में दोस्तों मंगल का थर्ड हाउस में आना बहुत बड़ा काम कर जाएगा, बेनिफिट देके जाएगा। चलिए 10 नंबर कैप्रिकॉन मकर का भी हो गया, अब हम आते हैं 11 नंबर एक्वेरियस कुंभ शनि की दूसरी राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? चलिए फ्रेंड्स, जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, हमारी वीडियोस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं 11 नंबर एक्वेरियस कुंभ, वीडियो के अंत तक बने रहिए बाकी का 2 लग्नों का जानने के लिए, और जल्द ही हम रेमिडीज भी बताएंगे हमेशा की तरह। तो एक और ऐसा लग्न जिसको बहुत बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, रीजन क्या है, कुंभ में मंगल बनता है थर्ड, अगेन आपके कॉन्फिडेंस का, और 10th आपके करियर का, यानी कि जो दोस्तों वो सभी प्रोफेशन जहाँ पर दोस्तों दमखम चाहिए होते हैं, एंग्जाइटी फ्री माहौल चाहिए होता है, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, आपको पर्सनैलिटी चाहिए होती है, हाइट अच्छी चाहिए होती है, वो कहीं ना कहीं दोस्तों कुंभ लग्न मंगल के साथ चलते हैं। और अब ये सेम मंगल आ गया आपके सेकंड हाउस के अंदर दोस्तों, बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन, दोस्तों 10th करियर, सेकंड वेल्थ, तो करियर से हमारी वेल्थ बढ़ती है दोस्तों, 10th करियर और सेकंड दोस्तों करियर का 5th हाउस, यानी करियर का लक, करियर की इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस बढ़ेगी दोस्तों यहाँ पे, करियर का लक बढ़ता है, भाग्य बढ़ता है दोस्तों आपके कार्यक्षेत्र का। दोस्तों थर्ड हाउस हो गया आपके सेल्फ का, जैसे बताया कि प्लेयर हो गया, आर्म फोर्सेस, सेकंड दोस्तों वेल्थ, इन लोग इन फील्ड में जो लोग उनके यहाँ पे वेल्थ बढ़ेगी। तो थर्ड हाउस हो गया आपके कॉन्फिडेंस का, सेकंड हाउस होगा दोस्तों आपके कम्युनिकेशन का, जो बोलने वाले काम है, आरजेस हो गए दोस्तों, मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, वकील हो गए, टीचर्स हो गए, हमारे जैसे दोस्तों काम में हो गए, इनका दोस्तों बोलने का, इन्फ्लुएंसर हो गए, मोटिवेशनल स्पीकर दोस्तों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, थिएटर में जो लोग हैं, मीडिया में जो लोग हैं, उनके लिए भी यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ओवरऑल दोस्तों कुंभ लग्न के लिए बहुत ही बड़ी खबर, और स्पेशली तब जब दोस्तों हम देखते हैं कि शनि जो कि आपका अपना ही लॉर्ड है दोस्तों, अपने ही साइड में वेल प्लेस है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, और क्योंकि दोस्तों राहु भी यहाँ पे सेकंड हाउस में, मंगल की दोस्तों पावर को एक्सपेंड कर देगा, नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज बनती है दोस्तों, नए काम पे, नए प्रोजेक्ट है दोस्तों, थर्ड हाउस ट्रैवलिंग का, तो ट्रैवलिंग दोस्तों यहाँ पे योग बढ़ता है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड यहाँ पे काम बढ़ जाते हैं, फ्रेंड सर्कल आपका बड़ा हो जाता है यहाँ पे, तो जिनके दोस्तों फ्रेंड सर्कल में इशू नहीं था, फ्रेंड सर्कल जिनका दोस्तों कम था, उनको यहाँ पे फ्रेंड्स की कमी महसूस नहीं होगी, वो दोस्तों घिर रहेंगे फ्रेंड्स के अंदर। ओवरऑल दोस्तों एंजॉयमेंट का पीरियड, ओवरऑल दोस्तों हम बात करके देखें आगे बढ़ने का, एज अ पर्सन ग्रो करने का, एज अ प्रोफेशनल ग्रो करने का पीरियड आते हैं। चलिए एक्वेरियस कुंभ का भी हो गया, हम आते हैं आज के लास्ट लग्न 12 नंबर पाइसेस मीन गुरु की दूसरी राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? क्या इनके लिए भी इतना बेनिफिशियल रहेगा जितना आपने सजिटेरियस के लिए बताया? दोस्तों इनके लिए तो दोनों ही गुरु की राशि है, इनके लिए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, बिकॉज इनके तो सेल्फ हाउस में दोस्तों यहाँ पे आ गया, तो अब सेल्फ हाउस में आ गया, देखिए लॉर्ड किसका बनता है, सेकंड और 9th का लॉर्ड दोस्तों, दोस्तों सेकंड वेल्थ, यानी कि वेल्थ का लॉर्ड, सेविंग्स का लॉर्ड, आपके लॉकर का लॉर्ड जब सेल्फ हाउस में आएगा दोस्तों, यानी कि
सेल्फ को सेविंग मिलती है, सेल्फ को वेल्थ की प्राप्ति होती है। दोस्तों नाइन्थ का लॉर्ड यानी कि भाग्य का, उसमें दोस्तों भाग्य का भी रोल, यानी कि आपकी किस्मत और आपकी मेहनत जब दोनों आपस में कंबाइन करेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो सेल्फ को बढ़ोतरी मिलती है, यानी कि सेल्फ को यहाँ पे पार्टिसिपेशन मिलता है आगे बढ़ने में। क्योंकि सेल्फ में मंगल का आना, इतने पॉजिटिव मंगल का आना नाइन्थ का लॉर्ड बनके, यानी कि सेल्फ को भाग्य की प्राप्ति। दोस्तों नाइन्थ हाउस हो गया आपका भाग्य का, आपके पिता का, आपके पितरों का, तो सेल्फ का पिता का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद, चाचा का आशीर्वाद, ताए का। दोस्तों मंगल आपके चाचा भतीजों को डिनोट करता है, आपके चाचा के बच्चों को भी डिनोट करेगा, तो भतीजों की सपोर्ट, चाचा की सपोर्ट, ताए की सपोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पे कॉम्बिनेशन दोस्तों बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बनता है, जब जब सेल्फ और नाइन्थ हाउस दोस्तों कनेक्ट करेंगे, चाहे नेटल चार्ट में चाहे आपके ट्रांजिट के अंदर, तब तब आपका भाग्य में वृद्धि होती है। यानी अगले 40 दिन दोस्तों भाग्य वृद्धि का टाइम है, अगले 40 दिन आपके वेल्थ बढ़ने का टाइम है दोस्तों, अगले 40 दिन आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का टाइम है दोस्तों, अगले 40 दिन अगर आपके हेल्थ में इशूज थे, वेट नहीं पुट डाउन हो रहा था, आपकी हाइट में दिक्कत चली, हाइट नहीं बढ़ रही, सबको बढ़ाने का टाइम है, कोई डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं लग पा रहा था आपको, तो सब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन, जिन लोगों के दोस्तों फिजिकल एग्जामिनेशन थे पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, उनको यहाँ पे तो काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगी, बिकॉज सेल्फ को दोस्तों मंगल के सपोर्ट मिलेगी, सब चीजों को इनहेंसमेंट को दिखा के चलेगा। और इस तरह पॉजिटिव मंगल दोस्तों भाग्य से बड़ा मंगल जब आपके सेवंथ हाउस पे भी इम्पैक्ट डालेगा, तो शादी में भी प्रॉस्पेरिटी आती है, शादी में भी पनिशमेंट आती है, शादी का योग बनते, मंगल तेज मूव करने वाला प्लैनेट है दोस्तों, शादी का योग बहुत तेजी के साथ बनते हैं, यानी कि मांगलिक कार्य दोस्तों यहाँ पे बढ़ चलता, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ में मंगल आने के बाद आपके फोर्थ हाउस पे भी इम्पैक्ट डालेगा, तो नाइन्थ भाग्य फोर्थ प्रॉपर्टी, तो घर, घर लेने का योग, घर बदलने का योग, रिकंस्ट्रक्शन का योग, रेनोवेशन के दोस्तों योग यहाँ पे बन जाते हैं। और दोस्तों वो सभी लोग जो फायर रिलेटेड काम के अंदर दोस्तों फायर एक्सटिंग्विशर बनाते हैं दोस्तों, या किचन गेयर बना के चलते हैं, चिमनी का जिनका काम है, किचन मेकिंग का दोस्तों जिनका काम है, या जिनका रेस्टोरेंट का काम है, शेफ है दोस्तों, उनको भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़त मिल जाएगी। तो ऑल इन ऑल, और क्योंकि दोस्तों सूर्य भी आपके सेकंड हाउस के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चल रहा है अभी, आपके एग्जॉल्टेड पोजिशन में चल रहा है दोस्तों, तो जो लोग पावर सेक्टर में काम करते हैं उनको भी बहुत बड़ी खबर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, शेयर मार्केट में जो लोग रियल एस्टेट का जिन लोगों ने जमा करा रखे पैसे इन्वेस्टमेंट करके पावर सेक्टर में दोस्तों जो लोग हैं उनको भी यहाँ पे उनके जो स्टॉक है, उनके जो शेयर हैं यहाँ पे बढ़ेंगे तेजी के साथ। तो बहुत अच्छी खबर पाइसेस वाले के लिए, जितनी कर्क लगन के लिए थी, जितनी दोस्तों स्कॉर्पियंस के लिए थी, उतनी दोस्तों पाइसेस वाले के लिए भी अच्छी खबर है दोस्तों। फिंगर पर अच्छी अच्छी न्यूज आपको ब्रेक कर रही होती है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। 6 लग्नों की बातें हो गई, कैसा रहेगा मंगल का चेंज, बाकी तो आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है, क्योंकि बोर्ड पे हम इतना नहीं एक्सप्लेन कर सकते। हम हर बार बोलते हैं टाइम की एक लिमिट होती है, तो आप चाहें तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। तो अब रेमेडीज बता दें, रेमेडीज आप बता। मंगल की सबसे बड़ी रेमेडी, पहले तो आप हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए, उनको जलेबी और इमरती बहुत पसंद होती है, आप चाहें तो वो चढ़ा सकते हैं, हनुमान जी को छोला भी आप चढ़ा सकते हैं, और जिनकी कुंडली में कोरल स्टोन बनता है कैप्सूल शेप या ट्राइंगल, तो अगर आप चाहें तो इस टाइम पे आप पहन सकते हैं। नवरात्रे भी स्टार्ट हो जाएंगे, स्टार्ट हो गए होंगे, अब तक तो हो चुके होंगे, तो आप चाहें तो आप पहन सकते हैं, आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। आज तो अष्टमी का दिन है वैसे, बिल्कुल हाँ, आज तो अष्टमी होगी सच में। दोस्तों दूसरी बात है कि यहाँ पे क्योंकि राहु का भी इम्पैक्ट आ रहा है दोस्तों, तो ऐसे में राहु मैंने बताया था कि ब्लड में इंप्योरिटी पैदा करता है मंगल का, अगर ब्लड डोनेशन कैंप में आप पार्टिसिपेट करें, ब्लड डोनेट करेंगे दोस्तों, तो बहुत बड़ी खबर आपके लिए, बहुत नेगेटिविटी लाइफ से दूर होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मंगलवार के दिन दोस्तों, क्योंकि राहु साथ में, मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन शनि मंदिर जाइए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, शनिदेव की पूजा करिए, हनुमान जी की पूजा करिए, लाइफ में और अच्छा होगा आपके लिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।